हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हसबी जायका। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे। सो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, दैट इज़ क्रीमी चिकन पॉक्स पेटिस। तो चलिए हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। सो मैंने लिया है 1/4 kg चिकन कीमा, उसको मैंने अच्छे से क्लीन करके वॉश करके ग्राइंड कर लिया है। एंड कीमा बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon चिली फ्लेक्स, 2 tablespoon भरकर क्रश्ड गार्लिक, 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1 teaspoon विनेगर, 1 teaspoon सोया सॉस, और हम ऐड करेंगे नमक, हसबे जायका। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड चिकन को हम आधा घंटा मैरिनेशन में रहने देंगे। एंड आधे घंटे बाद हम एक छोटी कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे। और ऑयल गर्म होने पर हम हमारा चिकन इसमें ऐड कर देंगे। स्लो फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है। ये देखिए, चिकन हमने ऐड कर दिया करके हम इसे स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। और हम दूसरी साइड पे वेजिटेबल सॉटे कर लेते हैं। सो हमने एक बड़ी कढ़ाई ली है, इसमें भी हम 2 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने पर हम हैंडफुल वेजिटेबल्स जो मैंने चॉप करके रखे हैं वो सारे इसमें ऐड करेंगे। मुट्ठी भर मैंने लिया है कैबेज, इसे बारीक मैंने चॉप कर लिया है। मुट्ठी भर कैप्सिकम, इसे भी बारीक कटिंग कर ली है मैंने इसकी भी। एंड कैरेट्स, उसको भी मैंने अच्छे से बारीक खुरच लिया है। और इन सबको हम अच्छे से कुक करेंगे स्लो फ्लेम पर। इसे कुक होने दे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक हसबे जायका और इसे फिर से कुक करेंगे 2 to 3 minutes के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल कॉर्न्स, वही मुट्ठी भर हमें कॉर्न्स ऐड करने हैं। वेजिटेबल्स यू नो बहुत हेल्दी होते हैं, तो आप ज़रूर अपनी कोई भी डिशेज में वेजिटेबल्स ऐड करें, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्दी। दैट्स इट, इसे थोड़ा कुक करेंगे। हमारी चिकन भी कुक हो गई है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। एंड यहाँ हमारे वेजिटेबल्स भी कुक हो चुके हैं अच्छे से। हम वेजिटेबल्स का भी गैस बंद करेंगे, वेजिटेबल्स को हम साइड पे निकाल लेंगे। और हम सेम कढ़ाई यूज़ करने वाले हैं। सेम कढ़ाई में मैंने 2 tablespoon बटर ऐड किया है। बटर को गर्म होने देंगे। बटर गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon भरकर, देखिए मैंने पूरा स्पून भरकर ऐड किया है मैदा। इसे हम बटर में कुक करेंगे अच्छे से स्लो फ्लेम पर 1 or 2 minutes के लिए। इसे कुक करें, मैदा कुक हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 cup भरकर मिल्क। हम इसमें ऐड करेंगे और मिल्क में जो मलाई निकलती है हम वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर है तो आप ज़रूर ऐड करें। ये मैंने 1/2 cup ऐड किया है अभी, 1/2 cup मैं बाद में ऐड करूँगी। तो 1 cup ऐड करके आप इसे कुक करें, सेमी थिक होने तक हमें इसे कुक करना है। सो ये हमारा फाइन थिक पेस्ट बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon ओरिगैनो एंड 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिलीज भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। एंड नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स एंड चिकन बोथ में नमक ऐड किया है। सो इसे अच्छे से मिक्स करें। एंड ये कुक हो चुका है कम्प्लीटली। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 cubes ग्रेटेड चीज़, इसे भी डालकर हम थोड़ा कुक करेंगे, मिक्स कर ले। एंड हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है, वाइट सॉस। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कुक्ड वेजिटेबल्स। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे हमारा कुक्ड चिकन। दैट्स इट। एंड माय कुकिंग इज़ ऑलवेज अधूरी विदाउट हरा धनिया। सो हम चॉप्ड हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से यू नो मिक्स करेंगे। एंड ये देखिए, हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने 1 tablespoon गेहूं का आटा लिया है, उसका हमने लई बना लिया है, पतला सा आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पॉक्स पेटिस बनाते हैं। ये 2 samosa की पट्टी मैंने ली है, एक के ऊपर एक आप रखेंगे और सेंटर में हमें हमारी फिलिंग ऐड करनी है। ये देखिए, हमने ऐड कर दी सेंटर में और हमें साइड्स को फोल्ड करके, 2 साइड को हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अच्छे से आपको प्रेस करना है
प्रेस करें ताकि ये स्टिक हो जाए, और दो साइड्स पे हम लई लगाएंगे और लई लगा के इसे स्टिक कर देंगे। ये देखिए, इसे भी स्टिक आपको लई लगा के आपको अच्छे से प्रेस करना है हाथ से, ताकि अच्छे से स्टिक हो और फ्राइंग करते वक्त खुले ना। तो बाकी के भी सारे बॉक्स पेटर्स हमने रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल रेडी टू फ्राई है। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। फ्राइंग के लिए हमने तेल गरम रख दिया है। तेल गरम होने पर हम वन बाय वन हमारा बॉक्स पेटर्स इसमें ऐड करेंगे, और ये बहुत ही इजीली जल्दी फ्राई हो जाते हैं। फास्ट फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है, क्विकली फ्राई हो जाते हैं। वन साइड ब्राउन होने पर हम इसे टर्न करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ही ईजीली क्विकली फ्राई हो जाते हैं ये। सो अब ये देखिए, हमने टर्न कर दिया इसे। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल प्लेटिंग बताते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह हमारे क्रीमी चिकन बॉक्स पेटिस रेडी है। बहुत ही मज़ेदार स्टार्टर है ये। सो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मुझे मेरे घर वालों से। सो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें इस इफ्तार, एंड आपकी गारंटी तारीफ होनी है। सो ज़रूर इसे ट्राई करें, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।